11 बॉयज एंड गर्ल्स, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है ओशन शर्मा और अभी तक पीएमआई के जितने भी मैचेस हमने देखे हैं, बहुत सारी टीम्स ने अपना एक अलग ही लेवल दिखाया। अलग लेवल ऑफ डोमिनेशन, अलग लेवल ऑफ कंपोजर, अलग लेवल ऑफ कामनेस, अलग लेवल ऑफ एग्रेशन, हर एक चीज इकट्ठी उभर कर आई है। उन्हीं सब चीजों के बीच में एक टीम हमारे साथ रहेगी जिनका भी एक अलग लेवल ऑफ गेम प्ले यहाँ पर देखने को मिला है। एक बहुत बढ़िया गेम सेंस, एक बहुत बढ़िया गेम स्टाइल जरूर इस टीम से हमें एक्सपेक्टेड भी था और देखने को मिला है, यानी कि हम लोग एक परफॉर्मिंग टीम की बात कर रहे हैं। मेरे साथ है वीएसजी क्रॉस के कुछ प्लेयर्स एंड इनसे हम लोग बात करेंगे क्या क्या चीजें चल रही है इनके माइंड में, क्या इनके गुड्स बैड्स अग्रीज एंड क्रेजीज ये बैटल ग्राउंड पर दिखाते हैं। लड़को क्या चल रहा है? हाँ भाई एकदम बढ़िया बढ़िया, आप बताइए। बहुत बढ़िया यार, आप सुनाइए क्या चल रहा है आपका। Why don't you guys just, you know, ek bari introduce yourself. So my name is Bhishma Shah. My in-game name is VSG Crawl Bhishma. My favorite loadout would be M416 and Mini. And my role is IGL and Assault. Hi guys, my name is Chetan Gandhi. My favorite loadout is M416 and I would prefer DMR. And my in-game name is VSG Crawl CG. That's good. And Bhishma, आपसे मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि PMIS और newer teams जितनी आ रही हैं, उन सबसे आपकी expectations क्या रहेंगी looking forward into the competition? Because हमें ये पता है कि हम अगर बात करें known names, अगर हम Orange Rock की बात कर लें, TSM Entity की बात कर लें, Fnatic जैसे teams की बात कर लें, तो एक चीज आती है कि हाँ उनके गेम स्टाइल सबको पता है, बट जो न्यू टीम्स है उनसे आपकी expectations क्या रहेंगी moving on forward with the competition? एक्सपेक्टेशंस तो मतलब ऐसा कोई मैंने एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो फाइनल 16 रहेंगे उसमें 4-5 एक अंडरडॉग मतलब यू नो टीम्स रहेगी, एंड वो 4-5 उससे ज़्यादा भी हो सकती है, बट मैं इतनी तो एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ कि 4-5 तो अंडरडॉग टीम्स रहेगी। एंड मतलब जैसे कि PMIT जब हुआ था उसमें RVNG एक अंडरडॉग टीम थी विच बिकेम अ चैंपियन, तो आई एम एक्सपेक्टिंग यू नो वंस, मतलब ऐसा नहीं कि कोई जीते, एक अच्छा परफॉर्मेंस क्योंकि एक स्टेज बहुत अच्छा प्रोवाइड किया है पबजी मोबाइल ने, तो कोई एक अंडरडॉग टीम यू नो टॉप 5 टॉप 3 फिनिश करे, मतलब इतना तो एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ। जी जी, आपकी टीम ने जब भीष्मा को अपने रोस्टर के अंदर इंक्लूड किया, सो वाज देयर सम स्पेसिफिक रीजन फॉर इंक्लूडिंग भीष्मा, या फिर इट वाज लाइक कि वो आपके गेम, आपकी टीम के गेम स्टाइल को अडॉप्ट कर लेते, या क्या चीज के कारण? बिकॉज इनके आने से आपकी टीम में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। दरअसल बात यह है, हमें टीम में एक दिमाग चाहिए था और एक दिमाग से काम नहीं चल रहा था, तो जब दो अब मिक्स होके चल रहे हैं ना तो वो अच्छे चल रहे हैं। कहीं कई जगह प्रॉब्लम्स आ रही है लेकिन वो हम सॉर्ट कर लेंगे जल्दी। कभी कभी ऐसा होता है कि ये IGL कर लेता है, मैं फिल्टर कर लेता हूँ, कभी कभी हो जाता है मैं कॉल देता हूँ ये सुन लेता है, सो बहुत अच्छा सा कॉम्बिनेशन अभी हम बनाने की ट्राई कर रहे हो, चल भी रहा है, बट जैसे सीजी ने बोला थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम्स आ रही है, बट वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे विद टाइम। आप लोगों ने आते ही पहले वाले जो राउंड था उसके अंदर मैचेस में 16 किल चिकन डिनर एक लिया था, सीधा डोमिनेशन एकदम यू नो ऑन पार दिखाई थी, ऑन एक्सीलेंट लेवल दिखाई थी, तो 16 किल्स जाते हैं वैसे गेम्स के लिए आपके माइंडसेट्स क्या रहते हैं टीम? हमने पोजिशनिंग पे बहुत फोकस किया था, पोजिशनिंग से हम लोग रोटेशन को कट करते रहे, एंड फिर एक जो सेंटर मतलब जब 6th phase 7th phase बन चुका था उसके बाद एक बीच में घर था वहाँ पर हमने पुश किया था, दैट वाज द ओनली अग्रेसिव अप्रोच वी टुक इन दैट मैच, और वो भी हमने इजीली मतलब पुश करके ले लिया, एंड उसके बाद हम बस उस जगह को अच्छे से होल्ड करके रखा। ऐसा नहीं था कि हम टोटली अग्रेसिव गए यू नो पुश कर करके मार रहे थे, हम लोग पोजीशनिंग पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे और वहां से जो किल्स पिक ऑफ कर रहे थे। कोई दो टीम्स का नाम आपको लेना है जो आपको लगता है टफ कंपटीशन दे सकती हैं, एक नोन टीम और एक अंडरडॉग टीम जिनके गेम प्लेस ने आपको एक तरीके से ये शो किया कि हाँ अगर इनके साथ फाइट हो गई तो थोड़ी सी दिक्कत कहीं ना कहीं हो सकती है और एक बहुत अच्छी कॉम्पिटिशन ये लोग हमें दे सकते हैं? एक अंडरडॉग टीम का नाम लो तो हमारे ग्रुप में थी लूक स्टॉर्म करके, दोज़ बॉयज़ वर एक्सीलेंट, बहुत अच्छा उन लोगों ने खेला, उन लोगों का फायर पावर ऑन पॉइंट था, उन लोगों के रोटेशन ऑन पॉइंट थे, तो एक रहेगी लूप स्टॉर्म। एंड अगर एक नॉन टीम की बात करें तो आई वुड गो विद एंटिटी TSM। कुछ ऐसे लोगों को आप मैसेज देना चाहें जो आने वाले टूर्नामेंट्स में अपने आप को आपकी जगह यहाँ पर इंटरव्यू देता हुआ देखें, जो अभी बैठकर इंटरव्यू देख रहा हो सोचे कि नहीं मैं वहां पर होना चाहता हूँ, उन लोगों के लिए कोई मैसेज अगर आपके पास हो? फ्रेंड्स उन सब के लिए एक मेरा एक मैसेज रहेगा कि हम हमारा 100% बेस्ट दे रहे हैं,
एंड आपके सपोर्ट से हमें यू नो एक मोरल बूस्ट मिलता है कि यू नो पीपल आर चीयरिंग फॉर अस, और हमें उस करके मेहनत करने का हमेशा मतलब यू नो वी वेक अप, हम ग्राइंड करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और ये सब मतलब ये सब के लिए हमें जो मोरल बूस्ट है वो आपके सपोर्ट से मिलता रहा है। सो प्लीज आप सपोर्ट करते रहें और हम परफॉर्म करते रहेंगे। अगर आप वहां बैठ के हमें देख रहे हो तो खाली आप देख नहीं सकते, आप खेल के ट्राई कर सकते हो, तो ट्राई अगर करोगे तो आपको पक्का रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, 110% रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आप जैसे हम आपको देख रहे हो, हम भी शायद आपको देख रहे हो एक दिन ऐसे, तो इसलिए ट्राई जरूर करें। तो ये थी बीएसजी क्रॉसर्स के प्लेयर्स के साथ बातचीत, हमने जाना कि उनके प्ले स्टाइल्स, उनका गेम सेंस यहाँ पर कैसे दिखने वाला है, एंड होपफुली ट्रॉफी उठाते हुए हमें ये प्लेयर्स जरूर दिखेंगे। पीएमआईएस के लिए इनकी ग्राइंड बहुत ज्यादा बेहतरीन रही है। सो आई जस्ट विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, एंड लेट्स गो लेट्स गो।